हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक यू अगेन इन माय ऑनलाइन केमिस्ट्री क्लासेस। सो प्लस टू प्लस आज का टॉपिक हमारा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर मैं बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से कहूँ, जो पैकेजिंग एफिशिएंसी हम करने जा रहे हैं टॉपिक की, इनमें तीन पैकेजिंग एफिशिएंसी हमने करनी है, सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर, फेस सेंटर। इन तीनों में से एक पेपर में आ भी जाती है या फिर आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से बनेगा ही बनेगा। तो अच्छे से समझना है, कैलकुलेशन पार्ट है, ठीक है, न्यूमेरिकल नहीं यहाँ पे बनता, पर आपका पैकेजिंग एफिशिएंसी पूरा डायरेक्ट टॉपिक उठ के आएगा, तो इसको अच्छे से रिवाइज करना। ओके, तो पैकेजिंग एफिशिएंसी क्या होती है सबसे पहले ये समझते हैं। मैं पिछली वीडियो में भी आपको समझा चुका हूं, परसेंटेज ऑफ टोटल स्पेस फिल्ड बाय द पार्टिकल, कितना पार्टिकल ने, जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है उन्होंने कितना स्पेस घेरा है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, पैकेजिंग एफिशिएंसी बोलते हैं। और जितने कम वॉइड्स होंगे उतनी अच्छी पैकेजिंग एफिशिएंसी होगी, ये बात भी हमने की है, ठीक है, ये लाइन भी याद रखना, जितने कम वॉइड्स उतनी अच्छी पैकेजिंग एफिशिएंसी, ठीक है। तो एससीपी रिटेन किया था आपने, ओके, तो सबसे पहले चलते हैं सिंपल क्यूबिक पे, एससी। तो एससी में नंबर ऑफ एटम कितने होते हैं, 1, ठीक, पर यूनिट सेल नंबर ऑफ एटम कितने हैं, 1, ये करके आए हो, ठीक है। तो सिंपल क्यूबिक का स्ट्रक्चर बना रखा है, 8 कॉर्नर्स है ऑक्यूपाइड बाय, ठीक है, 8 एटम्स, तो हर एक का कंट्रीब्यूशन कितना हुआ, 1/8, 8 मल्टीप्लाई 1/8, नंबर ऑफ एटम कितने निकल गया है, 1। तो यहां पे वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर क्या होगा, नंबर ऑफ एटम मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर, तो वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर क्या होता है, 4/3πr³, तो नंबर ऑफ एटम कितने हैं, 1, तो 1 मल्टीप्लाई 4/3πr³। अब आपके माइंड में बॉडी सेंटर और फेस सेंटर बनते जाने चाहिए, सर वहां 2 था वहां 4 था, तो उससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना, तो ये चीज देखनी पड़ेगी, तो आपके माइंड में बनता जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, 4/3πr³ क्या लिया, वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। एज अ स्फीयर हम जानते हैं एक दूसरे को टच कर रहे हैं, जब टच कर रहे हैं एज लेंथ कितनी है a, तो रेडियस कितनी होगी, रेडियस होगी a बाय 2, तो एज लेंथ कितनी होगी सिंपल क्यूबिक में, 2r, कितनी होगी, 2r, ओके, तो ये आ गया a इक्वल टू 2r, यहाँ पे रेडियस भी आपने याद रखी। तो वॉल्यूम ऑफ द क्यूब कितना होगा, a क्यूब, अगर वॉल्यूम ऑफ द क्यूब a क्यूब है, क्योंकि एज लेंथ a है, तो a का क्यूब हो गया, a किसके बराबर था, 2r के, तो ये क्या हो गया, 2r³, जब इसको ओपन किया मैंने ब्रैकेट में, मेरे पास क्या आ गया, 8r³, क्या लिख सकता हूँ, ऐसे बिल्कुल लिख सकता हूँ। परसेंटेज निकालते हैं स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द स्फीयर, कि स्पेस कितना ऑक्यूपाइड किया स्फीयर्स ने, वो निकालते हैं वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द क्यूब, सिंपल क्यूबिक s डिवाइडेड बाय C, दोनों के वॉल्यूम को डिवाइड करिए, तो शॉर्टकट सिखा दिया आपको, S डिवाइडेड बाय C, स्फीयर डिवाइडेड बाय क्यूब मल्टीप्लाई 100, तो दोनों को पुट किया 4/3πr³, 8r³, r से r³ उठ गया जाएगा जी, ठीक है, 4/3 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू कितनी होती है, 22/7, ठीक है, मल्टीप्लाई 1/8 मल्टीप्लाई 100, तो कितना आ गया, 52.4% पैकेजिंग एफिशिएंसी होती है सिंपल क्यूबिक की। अब बात करते हैं हम बॉडी सेंटर और फेस सेंटर के बारे में, बात करते हैं पैकेजिंग एफिशिएंसी बॉडी सेंटर क्यूबिक। मैंने कुछ नहीं किया है, सेम स्टेटमेंट है, एक को रट लो तीनों याद हो जाएंगे, ठीक है, एक रटनी है, दो अभी अपने आप रेडी हो जाएंगे, सेम चलूंगा, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना होता है, 4/3πr³, ठीक है, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 2 स्फीयर कितना होगा, भाई 2 से मल्टीप्लाई करोगे, अगर एक का वॉल्यूम 4/3 है तो 2 का कितना होगा, 2 × 4/3πr³, तो ये लीजिए 2 क्यों नहीं आ आपको, अरे भी तो थोड़ी देर पहले कह के आया था जेड, उसका कितना था 1, और इसका जेड कितना होगा 2, क्योंकि 1 तो यही है और एक सेंटर बॉडी सेंटर है, तो कितने हो गए, 2 हो गए, तो 2 × 4/3πr³ कर सकता हूँ जी, ठीक है। एज द स्फीयर टचिंग ईच कॉर्नर, सभी जानते हो भी एक एक प्रेजेंट कहाँ है, आर प्रेजेंट एट द बॉडी सेंटर, ठीक है, एक दूसरे को टच कर रहा है, एक बॉडी सेंटर पे है, तो इसका एज लेंथ कितना हुआ, एज लेंथ हुआ a इक्वल टू 4/3r, ठीक है, क्योंकि रेडियस क्या होता है, रेडियस होता है √3a/4, ये याद रखना आपने, ओके, तो √3a/4 हो गया। तो वॉल्यूम ऑफ द क्यूब कितना होता है, a³, वही है, ए क्यूब के ए की जगह वैल्यू क्या पुट कर सकता हूँ, 4/√3r का क्यूब, ओपन कर लिया 64/3√3r³, बिल्कुल है, ठीक है, तो बाएं वाले बच्चे थोड़ा फोकस करके रखना क्या कर रहे हैं, ओके, देन परसेंटेज ऑफ द स्फीयर स्पेस ऑक्यूपाइड बाय स्फीयर, फॉर्मूला वही s/c का वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ क्यूब मल्टीप्लाई 100, ओके, तो 8/3πr³ ये ले लिया मैंने, डिवाइड बाय ये आ गया मेरा r³ से r³ गया 8/3, नीचे वाले को ऊपर लाएंगे √3/3 डिवाइडेड बाय 64 मल्टीप्लाई 22/7, तो इनको ओपन किया सिंप्लीफाई किया कितना आ गया 68%, और उसमें सिंपल क्यूबिक में कितना
52.4%, कितना बढ़ गया, 16% बढ़ गया, तो कितना हो गया, 68% हो गया। अब देखिए जरा इसको करते हैं अगले में, फेस सेंटर क्यूबिक की कैसे करते हैं, जरा ध्यान देना। बात करते हैं फेस सेंटर क्यूबिक की या क्यूबिक क्लोज पैकिंग के अंदर, एक ही बात है दोनों को कहना मतलब, ठीक है, ये वर्ड याद रखना कि मैंने सीसीपी और एससीसी को एक ही बात कहा है। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना होगा, 4/3 πr³, बिल्कुल राइट है। वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 4 स्फीयर, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 × 4/3 πr³ कितना आ गया, 16/3 πr³ आ गया। एज लेंथ कितनी आई, एज लेंथ आई क्योंकि अंडर टू ए बाय 4 होता है या ए बाय 2 अंडर टू होता है, ठीक है, तो ये आ गया मेरे पास 4r/√2, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल कितना आ गया, a³, दोनों को डिवाइड मल्टीप्लाई किया मेरे पास है 64/√2r³। तो परसेंटेज ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड बाय स्फीयर कितना होगा, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ क्यूब मल्टीप्लाई 100, तो दोनों को डिवाइड करके कितना आया मेरे पास 74%। तो कितना कितना बना, 52.4%, 68%, 74%। SBF सिंपल क्यूबिक बॉडी सेंटर फेस सेंटर, दीज आर द पैकेजिंग एफिशिएंसी, कहने का मतलब एक याद कर लो दो आपकी रेडी हो जाएंगी। तो चलिए इसके बारे में हम थोड़ी सी टेबल बनाते हैं और पूरे चैप्टर का जो न्यूमेरिकल हिस्सा था आपका वहां तक का कवर करते हैं और एक फॉर्मूला यहां से ड्राइव होगा कैसे आप डेंसिटी नंबर ऑफ एटम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। समअप करते हैं जो भी अभी तक हमने समझा है न्यूमेरिकल पार्ट ऑफ व्यू से, तो हमने क्या समझा था, मैंने पहले कहा था सिंपल क्यूबिक बॉडी सेंटर क्यूबिक फेस सेंटर क्यूबिक, इनका मतलब क्या हो गया, स्टेट बैंक ऑफ फरीदाबाद। तो शॉर्टकट सिखा रहा हूं आपको याद करने का, स्टेट बैंक ऑफ फरीदाबाद इसका हेल्पलाइन नंबर यानी नंबर ऑफ एटम, ये क्या है, नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ एटम कितने हैं 1, 2, 4, हेल्पलाइन नंबर कितना है 124 और उसका प्लॉट नंबर यानी अरेंजमेंट कहां की गई है उस बैंक की 113, 113 अनलकी नंबर होता है पर हमारे लिए लकी है 113, ठीक है। तो रेडियस, रेडियस कितनी होगी, a/2 √3 a/4 √2 a/4, a/2 √3 a/4 √2 a/4 पैकेजिंग एफिशिएंसी में जरूरत पड़ेगी a की वैल्यू निकालने के लिए। तो यहां से a की वैल्यू अगर मुझे निकालनी है r = a/2, तो a कितना हो गया 2r, तो पैकेजिंग एफिशिएंसी में यूज कर सकते सेम √3 a/4 = r, तो a कितना हो गया 4r/√3, चेक कर लेना देखना, तो एक टेबल से ही काम बन गया आपका। कोऑर्डिनेशन नंबर 6, 8, 12 यानी स्मार्ट ब्रेन यूज कर रहे हैं, ठीक है। पैकेजिंग एफिशिएंसी कितनी होगी, पैकेजिंग एफिशिएंसी होगी 52, 68, 74। अगर मैं कहूँ यहाँ भी 6 का डिफरेंस है और यहाँ भी 6 का डिफरेंस है, कह रहे हो 16 का डिफरेंस है पर मैं 6 ही कह रहा हूँ, तो 52 और 6, 8 आएगा 68%, 74%। सो और एक हमने फॉर्मूला किया अरेंजमेंट का, एक अरेंजमेंट का क्वेश्चन और आता है अभी प्रैक्टिस करवाऊंगा मैं आपको न्यूमेरिकल के साथ ही। तो O:T ऑक्टाहेड्रल रेशियो टेट्राहेड्रल वॉइड्स, तो इनका रेशियो आता है N:2N, हैंड टू हैंड, रोटी मम्मी कैसे देती है हैंड टू हैंड। तो स्टेट बैंक ऑफ फरीदाबाद हो गया और रोटी हो गया, इनको याद रखना स्मार्ट वे में, इनकी एक स्लिप बना लेना आपके बहुत काम आएगी। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।